हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, भारतीय डाक विभाग की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो फ्रेंड, बिना देर किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं। फ्रेंड, जान लेते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो फ्रेंड, जो इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 3 तारीख 8वां महीना 2023 से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि 23 तारीख 8वां महीना 2023 तक भरा जाएगा। फ्रेंड, जनरल ओबीसी को फॉर्म भरने में 100 रुपया लगेगा और एससी एसटी या कोई पीएच हो तो उसे फॉर्म भरने में 0 रुपया लगेगा और ऑल कैटेगरी महिला को भी फॉर्म भरने में 0 लगेगा, यानी सभी कैटेगरी के महिला, कोई भी जाति का महिला हो उसे फॉर्म भरने में 0 रुपया लगेगा। आयु की बात करें फ्रेंड, तो 18 से 40 साल के जो अभ्यर्थी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल, यानी कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होना चाहिए। जो आप लोग का उम्र जोड़ा जाएगा फ्रेंड, कब से उम्र जोड़ा जाएगा, तो 23 तारीख 8वां महीना 2023 तक आप लोग का 18 हो जाता है या 40 हो जाता है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड, कम से कम आप लोग को इस डेट तक 18 साल भी हो जाता है तो फॉर्म भर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष भी हो जाता है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कितने पदों पर वैकेंसी आया हुआ है फ्रेंड, तो 30,041 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है, यानी बहुत बड़ा ये वैकेंसी आया हुआ है फ्रेंड। आगे चलते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर पोस्ट का नाम फ्रेंड, तो ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर 30,041 पद पर वैकेंसी आया हुआ है। योग्यता की बात करें फ्रेंड, तो जो विद्यार्थी जिसका 10वां में मैथ और इंग्लिश है और वो 10वां पास है इस वैकेंसी को भर सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड, जो भी 10वां पास है, जिसको 10वां में मैथ और इंग्लिश है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड, देख लेते हैं फ्रेंड स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल कि कौन से स्टेट में कितने पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 3,084 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। फ्रेंड, लोकल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश के यहाँ लिखा गया है हिंदी और आप लोग को उत्तर प्रदेश से भरते हैं तो आप लोग को हिंदी आना अनिवार्य है। उत्तराखंड का देख लीजिए फ्रेंड, लोकल लैंग्वेज हिंदी है, वहाँ पर 519 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। बिहार फ्रेंड, लोकल लैंग्वेज हिंदी 2300 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में फ्रेंड, लोकल लैंग्वेज हिंदी है और 721 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। दिल्ली में बात करें फ्रेंड, तो लोकल लैंग्वेज हिंदी है और 22 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है दिल्ली में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर। राजस्थान की बात करें फ्रेंड, तो हिंदी लोकल लैंग्वेज, वहाँ पर भी 2031 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। हरियाणा की बात करें फ्रेंड, तो हरियाणा में भी हिंदी लोकल लैंग्वेज है, वहाँ का भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और 215 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें फ्रेंड, तो हिंदी लोकल लैंग्वेज 418 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। फ्रेंड, अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितने पदों पर वैकेंसी आया। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड 300 पद पर, झारखंड में 530 पद पर। आप लोग धीरे धीरे आप लोग अपने स्टेट का भी देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितने पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। आराम से फ्रेंड आप लोग देखिए, मैं नीचे धीरे धीरे करते जा रहा हूँ, आप लोग देखिए, आप लोग आराम से देखिए। और फ्रेंड मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन होता है ना फ्रेंड, सिलेक्शन जो होता है इसमें आप लोग को एग्जाम देना नहीं होगा, यानी आप लोग को बिना परीक्षा दिए इसमें आप लोग को नौकरी मिलेगा। लेकिन किन विद्यार्थियों को नौकरी मिलेगा फ्रेंड, जिसका 10वां में 90% से अधिक है ना फ्रेंड, उन्हीं का सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है, फ्रेंड 90% से जिनका ऊपर नंबर है वो इसमें सिलेक्ट होने का ज़्यादा उनका चांस रहता है फ्रेंड। कम भी वाले को हो जाता है 70 से 75% का, लेकिन ज़्यादा चांस जो है ना फ्रेंड 90% से जिनका ऊपर है वही लोग ज़्यादा इसमें बाजी मार जाते हैं। फ्रेंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी से संबंधित तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोग को कमेंट का रिप्लाई दूंगा। फ्रेंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।